हाथरस में राजनीतिक पार्टियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज आप सांसद संजय सिंह जाएंगे गुड़िया के गांव, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे संजय सिंह। कल सपा डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, तो मुलाकात का जो दौर है वो लगातार नजर आ रहा है और आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गुड़िया के गांव जाएंगे, गुड़िया के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। संदीप, पिछले 3-4 दिनों से लगातार अलग अलग पार्टियों की जद्दोजहद नजर आ रही है गुड़िया के गाँव जाने को लेकर। ऐसे में कांग्रेस के कई बड़े कार्यकर्ता भी पहुंचे, कई बड़े नेता पहुंचे, अलग अलग पार्टी के नेता यहां जो है पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं, पीड़ित परिवार के परिवार वालों का उसको सांत्वना देने के लिए। ऐसे में अब आपके सांसद संजय सिंह भी आज जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल पूजा, देखिए आपको बता दें, कह सकते हैं कि जब से ये लगातार ये मामला चल रहा है तब से तमाम जो पार्टियों के कह सकते हैं प्रतिनिधि मंडल है वो लगातार वहां पर पहुंच रहा है, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा है, जिसमें खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद है, जिसके बाद कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो अखिलेश यादव को सौंपी थी, जिसके बाद आज सुबह का कार्यक्रम था जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता हैं राजेंद्र पाल गौतम, इनके नेतृत्व में पूरे पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो आज हाथरस कांड में जो पीड़ित है उसके परिजन से साथ साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ देखिए कई तरह की बातें जो सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं से रिपोर्ट को बदलवाने को, तमाम तरह की बातों को लेकर आज जो प्रतिनिधि मंडल है वो वहां पर मुलाकात करेगा, किस तरह की मदद हो सकती है। और देखिए कहीं ना कहीं से आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये वहां पर मुलाकात करने जा रहा है। और ऐसे में देखिए खास बात ये भी है कि कहीं ना कहीं से दिल्ली सरकार की तरफ से उनकी कुछ मदद करी जा सकती है। बिल्कुल, और संदीप ऐसे में मदद करना अच्छी बात है, सांत्वना देना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती है सवाल यही खड़ा होता है कि हमदर्दी के नाम पर सियासत क्यों चल रहा है, क्योंकि सियासत का जो एक चरम कहते हैं ना लिमिट क्रॉस वाली तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जबरदस्ती जाना, लड़ना झगड़ना, शांतिपूर्ण तरीके से भी तो ये सांत्वना दी जा सकती है ना संदीप? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है पूजा, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जो सरकार है वो अपना काम कर रही है, उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार टीमें सतर्क हैं, लेकिन जिस तरह से जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं से इसको एक राजनीति रूप देने का प्रयास कर रही है जो अपने आप में गलत है, इससे कहीं ना कहीं से जो एक पूरे जांच की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है। अगर आप किसी को हमदर्दी दिखा रहे हैं तो आप उसके परिवार से मिल सकते हैं, उनको आप दिलासा दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से इसको एक राजनीति का रूप देना गलत होता है, इससे कहीं ना कहीं से जो लोगों की एक संवेदनाएं हैं, जो कहीं ना कहीं से एक जो समाज के अंदर जो चीजें हैं वो गलत रूप से प्रकट होती हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे संजय सिंह।